भाजपा पर व्यंग के जरिए निशाना साधने वाले कांग्रेस के विज्ञापन छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ फिर जनता के बीच आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को विज्ञापनों में माइनर चेंज के साथ विज्ञापन दिखाने की हरी झंडी दे दी है, लेकिन चेंज के बाद एक बार ये विज्ञापन आयोग में फिर दिखेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के 6 विज्ञापनों पर चुनाव आयोग ने आपत्ति लेते हुए कांग्रेस को नोटिस देकर जवाब मांगा था। 6 हमारे विज्ञापनों पर ऑब्जेक्शन आया था, जिसके बारे में मैंने पत्रकार वार्ता लेके आप लोगों के भी संज्ञान में हम लेके आए थे, और उस विज्ञापन को हमने बताया कि ये एक व्यंग है। जो अंधभक्ति वाले विज्ञापन थे, हमने कहा ये एक व्यंग है, तो व्यंग को व्यंग की तरह ही लेना चाहिए, और उस पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस की बात करी है इलेक्शन कमीशन ने, वो हम चेंज करके कल फिर हम अपने विज्ञापन पेश करेंगे। और रफेल की फाइल वाले विज्ञापन थे, उनमें बस एक मंत्रालय शब्द हटाने का कहा है, वो हम हटा लेंगे, बाकी कल पेश करेंगे जो चेंजेस इलेक्शन कमीशन ने हमें बोले हैं उसके साथ, और फिर कल निर्णय होगा। भाजपा के संकल्प पत्र को एक और जुमला बताते हुए कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने कहा है कि पहले 2014 के जुमला पत्र का भाजपा जवाब दे, जनता सब जान चुकी है जुमलों से पेट नहीं भरता। एक और जुमला पत्र देश के सामने आया है, पहले मोदी जी को ये बताना चाहिए कि पिछले घोषणा पत्र का क्या हुआ, पिछले 2014 के जुमला पत्र का क्या हुआ, वो कितना पूरा हुआ, ये देश को के सामने आके उन्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए, और अब एक अगला जुमला पत्र लेके वो जनता के बीच में जा रहे हैं, पर जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जुमलों से पेट नहीं भरता। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी 45 साल में हुई है तो इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूज अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, तो आज इस ऐप को डाउनलोड करें और बेल आइकन दबाकर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।